हर कोई जो ड्राइंग करना चाहता है ना या ड्राइंग कर रहा है वो एक आर्टिस्ट है, और हर एक आर्टिस्ट ज़रूर ये चाहता है कि वो एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करे, किसी के सामने बैठा के फेस ड्रॉ करे या रेफरेंस से ड्रॉ करे। ये जो इच्छा है ना, ये जो इंटरेस्ट है ना, उसको पूरा मैं करूँगा, टेक्निक बताऊँगा ही, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। लेकिन उससे पहले ना हमें ड्राइंग मटेरियल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कब कौन सा ड्राइंग टूल, कौन सा ड्राइंग मटेरियल हमें यूज़ करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें रेगुलर अपने स्किल को तो डेवलप करना ही है, अपडेट करना ही है अपने आप को, लेकिन हमें आर्ट मटेरियल भी अपडेट करने हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे बेसिक और इकोनॉमिक आर्ट मटेरियल्स लेके आया हूँ जो आपके पास होना चाहिए। अब मैंने बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं बताया है, R&D मैंने बहुत की है कि कब कौन सा यूज़ करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट यूज़ करना है ना, उसके बारे में भी R&D मैंने बहुत की है। जैसे उससे सिमिलर रेंज के और उससे टाइम के जो आर्ट मटेरियल्स है वो सब मैंने आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेपर की। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कभी कभी आप कितना भी आप अच्छी ड्राइंग कर लो, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि हमने अपना 100% दे दिया लेकिन आउटपुट नहीं आया। रीज़न क्या होता है? कभी कभी इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है पेपर का। तो पेपर हमें कब यूज़ करना चाहिए? बहुत टाइम तक तो मुझे ऐसा पता था ना कि प्रिंटर पेपर ही जो होता है ना वही एक्चुअल पेपर होता है, ऐसा नहीं है, रेगुलर हमें अपडेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप पोर्ट्रेट तक पहुँच चुके हैं, यानी कि आप जो बेसिक्स है ना वो क्लियर कर चुके हैं। तो ये कंसिडर करते हुए यहाँ पे मैं अब आपको इंट्रोड्यूस करूँगा, ये है एक आइवरी पेपर। क्योंकि मेरे पास ना बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आती है ये बात के लेकर ना कि आइवरी पेपर कब यूज़ करते हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, लेकिन मैंने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद ना मैंने कुछ आउटपुट बनाए हैं जो कि बहुत ही बेसिक पेंसिल से है। ये जो कलर पेंसिल मैंने बनाया है बहुत ही बेसिक है, ऐसे और भी कई सारे ड्राइंग मैंने बनाए हैं जो कि इसी पेपर पर ही बनाए हैं। तो ये जो पेपर है मैंने यूज़ किया है A3 साइज़ का पेपर, इसलिए कि अगर आपको A4 चाहिए ना तो इसमें से आप कट कर लो और बहुत इकोनॉमिकल हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा, अगर पोर्ट्रेट तक पहुँच चुके हो यानी कि एज तो आपकी थोड़ी सी तो 10+ होगी, तो वहाँ पे आप इसको आप कट करके या पेरेंट की हेल्प से कट करके इसकी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आप बेसिक जब आप स्टार्ट करते हो ना, जब पोर्ट्रेट जब आप बेसिक जब कर रहे हो ना, तो ये पेपर का यूज़ कर सकते हो क्योंकि इकोनॉमिकल होते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन भी सरफेस होता है ना, तो आप कलर पेंसिल से भी प्ले कर सकते हैं, चारकोल से भी प्ले कर सकते हैं और ग्रेफाइट से भी प्ले कर सकते हैं। तो ये बात होगी। इसके बाद हम जब यूज़ कर लेंगे ऑलमोस्ट 1 महीने, अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं 1-2 महीने, तो हमें अभी थोड़ा अपडेट की ज़रूरत है क्योंकि हमें ना थोड़ी सी आर्टिस्टिक ड्राइंग करनी है, थोड़े स्ट्रोक्स वाले ड्राइंग करने हैं। तो ये है ब्रूस्टो का पेपर जो कि मैंने A3 साइज़ का लिया है, और ये जो पेपर है ना इसमें थोड़ा रफ सरफेस है और दूसरे साइड में ये थोड़ा प्लेन है। तो यहाँ पे आप चारकोल, आप ग्रेफाइट पेंसिल या फिर कलर पेंसिल बहुत अच्छे से कर पाते हो, कभी कभी तो आप इस पे ऑयल पेस्टल भी कर सकते हो। तो इसमें मैंने कुछ पोर्ट्रेट बनाए हैं जो कि चारकोल से, जो आप देख रहे हो कि इसमें ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होती है। और ये जो एक ऐसा पेपर मैंने देखा है ना कि ये ग्रेनी तो है ही, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेनी पेपर है, और इसके साथ साथ ना आप बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है, स्प्रेड बहुत अच्छे से होता है। आप ग्रेफाइट ले लो या फिर चारकोल ले लो, और ये मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा पेपर में से है, और आप चाहोगे ना तो प्रोफेशनल तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हो ये जो पेपर है। तो ये पेपर में मैंने बहुत सारे ऐसे ड्राइंग की हैं, और मैंने अभी तक सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया है ना वो यही वाला ही पेपर है, और इसमें कई सारे आउटपुट भी बनाए हैं जो आप लोगों ने पसंद भी किया है। तो ये था हमारा पेपर जो कि हम जब 2 मंथ्स के आगे जब हम पोर्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं तो ये पेपर यूज़ करते हैं। ये जो पेपर है ना ये है 160 GSM, जिसमें आपको पेपर जो है ना ये थोड़ा सा थिक होता है, और ये बहुत ज़्यादा आपको, जैसे कि आप कभी कभी हम लोग शेडिंग बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ करते हैं तो पीछे प्रिंट भी ज़्यादा नहीं जाता है। अब हम अपडेट करते हैं दूसरे पेपर की तरफ, और मूव किया हम लोगों ने ब्रूस्टो का ही ये पेपर है, और यहाँ पे देख रहे हो A4 साइज़ का 200 GSM पेपर लिया मैंने। यहाँ पे ये जो पेपर है ना, पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसमें जो ग्रेन्स है ना थोड़े से और ज़्यादा बड़े हैं, जिसमें ना अगर आप रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक तक जाते हो ना, ये पेपर बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अभी तक जितने भी मैंने पेपर यूज़ किए हैं, इनफैक्ट आपने ओल्ड मैन का देखा है, इसके अलावा जो अभी जो कुछ जो रिसेंट में बनाए हैं मैंने इस पर ही बनाए, तो ये पेपर आप ले सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ सिंगल ही बता रहा हूँ कि यही यूज़ करना है, तो यानी कि ये सबसे बेटर है। कंपैरिजन मैंने बहुत किए हैं, उसके बाद ही मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। ब्रूस्टो का 200 GSM A4 पेपर, या फिर आप A3 भी ले सकते हो, कमीशन वर्क भी आप इस पर कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने ना कुछ लोगों को भी रिकमेंड किया है और मैंने भी किया है ये पेपर, मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा है जब आप
चारकोल पेंसिल करना चाहते हो, कलर पेंसिल करना चाहते हो, ग्रेफाइट पेंसिल करना चाहते हो, और ज़्यादा आप उसमें रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक लाना चाहते हो ना, तो ये पेपर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। ये पेपर तो एक्चुअली हर एक आर्टिस्ट के पास होना चाहिए। ये भी ब्रूस्टो का ही है। ब्रूस्टो का नाम सुन के आप ये नहीं सोचना कि मैंने ये मुझे कोई ऑफ़र है या फिर मैंने स्पॉन्सरशिप लिया है, ऐसा नहीं है। ये पेपर मैंने R&D किए बहुत सारे, उसके बाद जो प्रीमियम पेपर्स जो मिले हैं ना, जो कि इकोनॉमिकल हैं थोड़े, वो ये लगे हैं मुझे। ये 200 GSM का पेपर है, A4 साइज़ का पेपर, और ये पेपर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जैसे मैंने आपको बनाया कि कमीशन वर्क लेने के लिए, या फिर आप कमर्शियल कुछ यूज़ करने हैं जहाँ पे ये पेपर को लॉन्ग लास्ट आपको रखना है। 200 GSM पेपर जो है ना, क्वालिटी अच्छी है इसकी, थिकनेस अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो ये पेपर आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जब आप कलर पेंसिल करना चाहते हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्मूथ आउटपुट लेके आना चाहते हो ना, जैसे कि कैसे कहते हैं कि एकदम सीमलेस जो आउटपुट अगर आपको चाहिए ना, एकदम कहते हैं ना मक्खन की तरह पेपर, ये वाला है। ये भी ब्रूस्टो का ही है, जिसको ब्रूस्टोल पेपर है, अल्ट्रा स्मूथ पेपर। ये इसमें ना अगर आप कुछ भी अगर आप ड्रॉ करते हो ना, आप एकदम ज़्यादा, ये पेपर जो है ना, ये बहुत स्पेशल ओकेज़न पे ही आपको ड्रॉ करना है, जब एकदम स्मूथ अगर आप आउटपुट अगर आपको चाहिए ना, तो ये इसमें एफर्टलेस पेपर है। जब आप ब्लेंड करते हो तो बहुत अच्छे से एकदम स्मूथ जो कहते हैं ना, वो इफ़ेक्ट जो होता है ना, वो यहाँ पे मुझे मिलता है, और इनफैक्ट बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ये जो आप देख रहे हो ना, इसकी जो पेपर जो है, आप जितना आप ब्लेंड करोगे, जितना आप स्मूथ होता है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। यहाँ पे आप कई तरीके के लेयर जो है ना, लेयर पे भी डाल सकते हैं, तो इसके लिए अलग से सेपरेट तो मैं बताऊंगा ही मैं आपको, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि लेयरिंग भी आप इस पर कर सकते हो, और जैसे चाहिए ना, जो डार्कनेस चाहिए ना, वो डार्कनेस भी मिल जाता है, और ब्लेंड जैसा हम करना चाहते हैं ना, वो हमें मिल जाता है। और इसमें अच्छी बात ये है ना कि इरेजर्स बहुत अच्छे से वर्क होता है इसमें, तो ये आप ले सकते हो ये पेपर। इसके बाद ये पेपर जो है, ये प्रोफेशनली अगर आपको यूज़ करना है ना, तो ये पेपर आप जा सकते हो। इसका नाम है फेब्रियानो, और एकेडमिया पेपर है ये, ड्राइंग शीट आता है इसमें, आप ले सकते हो। ये A3 साइज़ का मैंने लिया है, इसका A4 साइज़ का भी पेपर आता है, A3 साइज़ पेपर अभी आप देख रहे हो। तो मैंने इसलिए लिया है कि अगर आप कमीशन वर्क कर रहे हो या फिर बड़े ड्राइंग कर रहे हो ना, तो आप इसको ले सकते हो, थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है, हाफ कर दोगे तो A4 साइज़ का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पेपर जो है ना, प्रोफेशनली अगर आप जाना चाहते हो तो वो आप जा सकते हो। तो ये पेपर के थ्रू मैंने आपको बताया कि एकदम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल, जो कि ये वाला है, आप ये पेपर्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो पेपर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे पेपर्स आपके पास होने चाहिए। वैसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, वो सारे लिंक भी मिल जाएंगे आपको, लोकल मार्केट में मिलता है तो आप ले भी सकते हो वहाँ पे। तो ये था पेपर्स, तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।